The Mozilla, before going into the detail of the Mozilla, we will first discuss the experiments performed by the Mozilla, right? Henry Mozilla, the discoverer and the modifier of the periodic table, you know, जो modern periodic table आपके पास है, इसको हम Mozilla periodic table भी कहते हैं, क्योंकि it is based upon the Mozilla, ये Mozilla के ऊपर based है. Before Mozilla, atomic weight was considered as the fundamental characteristic property of the element. जो मेंडलीव लॉ आपके पास मौजूद है, ठीक है, जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल जिसके ऊपर बेस्ड था, सही है, तो उसके मुताबिक जो एटॉमिक वेट्स थे, दैट वर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द एक्सरेज, जब कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो जाती है, तो फिर दुनिया के हर कोने से साइंटिस्ट उस डिस्कवरी को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, उस पर मजीद स्टडी करते हैं, ठीक है. तो इसी तरह जब एक्सरे 1895 में डिस्कवर हो गए, राइट, तो हेनरी मोज़ले ने भी उस पर काम किया, राइट. अब मोज़ले ने एक्सरे प्रोड्यूस किए डिस्चार्ज ट्यूब में, राइट, वही डिस्चार्ज ट्यूब जिस तरह रोइंजल मेथड में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, राइट. इसने ये किया कि डिफरेंट एनोड इसने लिए, ये जो एनोड यहां पे है, राइट, सो एनोड इसने डिफरेंट एनोड्स लिए और हर एक की जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसका स्पेक्ट्रम उसने लिया, एनोड को तब्दील करता रहा, डिफरेंट मेटल्स को एज एनोड यूज करता रहा, ठीक है, और जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही थी उनका स्पेक्ट्रम ये नोट करता गया साथ, ठीक है. तो इससे इसने एक पता चलाया कि जब मैं यहां पे एनोड को चेंज करता हूं और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इंक्रीज अगर आती है एनोड में, ठीक है, तो आपके पास जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है वो भी साथ बढ़ जाती है. जितना ज्यादा यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनोड का इंक्रीज होगा, इतना आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे है वो भी इंक्रीज होगी. बात समझ में आ रही है? सो इसने ये अंदाजा लगाया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, जो कि यू नो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली कोई खास चीज है. दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एटम, ठीक है. इसको उसने एटॉमिक नंबर का नाम दिया. दिस इज बेसिकली एटॉमिक नंबर, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो मौजूद है अंदर न्यूक्लियस, ठीक है. और आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जिसको आप जेड से डिनोट करते हैं, जेड एटॉमिक नंबर, दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है. और इनके एक्सपेरिमेंट से ये वाज़े हो गया कि जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उतनी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी. एक्सरे की फ्रीक्वेंसी किस चीज के साथ इंक्रीज होगी? एटॉमिक नंबर के साथ, पॉजिटिव यूनिट चार्ज जो है न्यूक्लियस का उसके साथ इंक्रीज होगी. इस की बुनियाद पर इसने एक लॉ पेश किया जिसको हम मोज़ले लॉ कहते हैं, और इसके मुताबिक जो आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस्ड. एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस्ड, ठीक है. और यहां से इसने ये जनरलाइजेशन भी की कि बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, क्योंकि डिफरेंट एनोड जब वो यूज करता गया, तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता रहा, वो मसलन 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट यूज किया, फिर 31, फिर 32, फिर 33, ठीक है, तो साथ में ग्रेजुअल इंक्रीज आता गया फ्रीक्वेंसी में. कहीं पे कोइंसिडेंटली भी आप इसने यहां पे दो डिफरेंट एनोड का सेम फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरे यहां पे इसके पास नहीं आया,
हर एक एनोड जिसका एटॉमिक नंबर चेंज था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज प्रोड्यूस दैट वर डिफरेंट। सो इसने ये जनरलाइजेशन की कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर है दैट इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन नल्ट एटॉमिक वेट। ठीक है, इसी के ऊपर फिर इसने पीरियडिक टेबल को भी रीअरेंज कर लिया। एटॉमिक नंबर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उस पे फिर इसको पीरियडिक टेबल को रखा, सही है। और जो आपके पास आज मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल मौजूद है वो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप मजीद देख लें अगर, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, या आप इसको यू लिख लें राइट। मजीद इसको इंप्रूव करने के लिए इसने जेड माइनस बी कर दिया और बी जो है इट इज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हर एक करेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए बी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, के करेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए बी की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, और यहां पे जो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको रिमूव करने के लिए इक्विलिटी साइन आप इंट्रोड्यूस कर लें, ए जेड माइनस बी। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द मोज़लेला, ए इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एलिमेंट में, इसमें बी जो है इसको आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, के सीरीज के लिए ये 1 के बराबर है। ठीक है, अब इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, सो ड्यू टू दिस लॉ एटॉमिक नंबर वाज फाउंड टू बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ हेलियम। इस लॉ की बुनियाद पे ये बात वाज़े हो गई कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की। ठीक है, एंड दिस लॉ इज लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपके पास ये जो लगा हुआ है जो आप यूज करते हैं ये बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस है, मोज़लेला के ऊपर बेस है। दिस लॉ हेल्प्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इस लॉ की मदद से बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी मालूम किया गया, सही है। तो एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर भी एक्सरेस की मदद से मालूम किया गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है।